लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बंगाल का यह चुनाव देश के और बंगाल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चुनाव है। बंगाल राज्य की निर्मिति होने के बाद आप सब लोगों ने कांग्रेस को अजमाया है, सीपीएम को अजमाया है और तृणमूल कांग्रेस को भी अच्छी तरीके से परख लिया है। बंगाल की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर करने का विश्वास ये पार्टियां देती रही, घोषणाएं होती रही, पर आज भी बंगाल गरीबी और भुखमरी और बेरोजगारी से त्रस्त है। बहनों और भाइयों, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। बंगाल की जनता यह समझ चुकी है कि हमने कांग्रेस और सीपीएम को भी अजमाया है और तृणमूल कांग्रेस और ममता जी को भी हमने अवसर दिया है, पर अवसर देने के बाद जो बंगाल की जनता की आशा थी, अपेक्षा थी, आकांक्षा थी, वो पूरी नहीं हो सकी। और इसलिए बंगाल की जनता ने यह निर्धार किया है कि इस चुनाव से परिवर्तन होगा, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, यह निश्चित है। आज केंद्र में हमारी सरकार है, हमारी सरकार के द्वारा हमने बंगाल का विकास करने का पूरा प्रयास किया। मुझे याद है कि आपके इसी क्षेत्र के नजदीक मैं शिपिंग और पोर्ट का मंत्री था, मैं हल्दिया बार बार आया करता था। जो ताजपुर की बात हो रही थी, वो ताजपुर में पोर्ट बनाने का निर्णय मैंने किया था। अगर वो पोर्ट बनकर अगर मार्ग खुला हो जाता तो बंगाल के लाखों युवाओं के हाथों को काम मिल सकता था, पर बंगाल की सरकार का सहयोग नहीं मिल पाया। बहनों और भाइयों, मैंने पश्चिम बंगाल में सागरमाला योजना में करीब 33,000 करोड़ रुपए की 42 परियोजना को शुरुआत काम शुरू कर दिया। मुझे खुशी है कि इन सब योजनाओं के द्वारा हल्दिया पोर्ट का बहुत जोरदार विकास हुआ है। हम हल्दिया पोर्ट के द्वारा यहाँ के स्थानिक युवाओं को रोजगार देना चाहते थे। पोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए 21 परियोजनाएं थी 11,000 करोड़ रुपए की। पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 15 परियोजना थी 16,000 करोड़ की और पोर्ट लेड में इंडस्ट्री तैयार करने के लिए 4 योजनाएं थी 7,000 करोड़ की। ये सब योजनाएं करने के पीछे उद्देश्य यही था कि बंगाल में युवाओं के हाथों को काम मिले। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, नंदीग्राम में एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग लाने की बात चल रही थी, पर इस सरकार ने उसको भगा दिया। आज मेरे अधिकार में हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 4.5 लाख करोड़ की है और करीब आने वाले 5 साल में मैं कोशिश कर रहा हूं कि यह उद्योग 10 लाख करोड़ रुपए का होगा। देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला यह उद्योग है। हम इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ियां ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली स्कूटर और बाइक ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस ला रहे हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और उसके साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल की गाड़ियां ला रहे हैं। बहनों और भाइयों, क्या इस विकास में बंगाल के नौजवानों को अपना विकास करने का अधिकार नहीं है? क्या बंगाल की गरीबी दूर नहीं होनी चाहिए?
क्या बंगाल के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या बंगाल में अच्छे रोड नहीं बनने चाहिए? क्या बंगाल में अच्छे पोर्ट नहीं बनने चाहिए? क्या बंगाल के गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण नहीं होना चाहिए? पर ये सरकार ही ऐसी है कि विकास कामों के लिए साथ नहीं देती। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं रोड का मंत्री हूं। आपके यहां इस पूर्वी मेदिनीपुर संसदीय क्षेत्र में रानी चक्स में 190 करोड़ की लागत से 4 लेन का आरओबी बनने से हल्दिया जाने वाले लोगों को रेलवे क्रॉसिंग में रुकना नहीं पड़ता, काफी राहत मिली है। रानी चक से हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल तक करीब 1212 करोड़ रुपए खर्चा करके 4 लेन सड़क का निर्माण हमने किया, उसका डीपीआर बनाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का इंजन, बंगाल की सरकार हमें दीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन लग जाएगा। और मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि मेरे ही विभाग की ओर से मैं 1,00,000 करोड़ रुपए के रोड राष्ट्रीय महामार्ग बंगाल में बना के दूंगा। हम बंगाल का विकास करना चाहते हैं। हमने जलमार्ग का विकास किया, ब्रह्मपुत्रा में जलमार्ग बनाया। इतना ही नहीं तो बांग्लादेश में जाकर मुंगली पोर्ट तक मैंने ड्रेजिंग पूरा कर दिया। हल्दिया से वाराणसी तक गंगा में जलमार्ग का निर्माण किया। इससे नए उद्योग और व्यापार क्षेत्र को गतिशीलता मिली है। आपको पता होगा कि रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपए खर्चा आता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए खर्चा आता है, तो पानी से जाने के लिए केवल 1 रुपए खर्चा आता है। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो बंगाल में उद्योगों की स्थापना होगी, और बंगाल में उद्योग आएंगे तो बंगाल के नौजवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा और बंगाल की गरीबी दूर होगी। और इसीलिए बंगाल का विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस आह्वान को स्वीकार किया है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, भ्रष्टाचारियों का राज बदल दो, यही नारा हमने दोहराया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि विकास को विरोध करने वाले, बंगाल के गरीब को और गरीब करने वाली इस राज्य सरकार को हटाना, यही बंगाल की जनता में हित में है। और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि इसी क्षेत्र के हमारे युवा उम्मीदवार जो दमदार है, आपकी समस्या को लड़ सकते हैं, आपको न्याय दिला सकते हैं, ऐसे अरूप दास जी यहां से हमारे उम्मीदवार है। आप उनको प्रचंड मतों से विजयी बनाइए, कमल के फूल की बटन दबाइए, ऐसा करंट लग जाएगा कि ममता जी जिस कुर्सी पर बैठी है उस कुर्सी से 3 इंच ऊपर उड़ जाएगी, इतना जोरदार करंट लग जाएगा। आप अनूप जी को, अरूप जी को चुनकर दीजिए, बंगाल में परिवर्तन करिए, बंगाल का विकास करिए, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की सरकार है उसका इंजन, बंगाल के राज्य सरकार का, भाजपा सरकार का दूसरा इंजन, और ये डबल इंजन से बंगाल की बुलेट ट्रेन, विकास की बुलेट ट्रेन तेजी से दौड़ेगी और बंगाल की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर होगी, यही विश्वास दिलाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अरूप दास जी को प्रचंड मतों से विजयी करिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, यही आह्वान करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार।